अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा नीम हेयर ऑयल, जिसके इस्तेमाल से आपकी बच्चियों के सर में से जितनी भी जुएँ होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आपकी बच्चियों के बाल दिन ब दिन बड़े होते जाएंगे और बाल मजबूत और घने भी हो जाएंगे। नीम के बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और इसके खाने से हमारे जिस्म की काफ़ी सारी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। नीम एक एंटी बैक्टीरियल है और ये हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो ये एक एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फुल एक्ने का ट्रीटमेंट शेयर किया था, तो आप उस पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के करीब कड़ी पत्ते ले लिए थे, उनको मैंने क्रश कर लिया था और 2 चम्मच के करीब ही नीम की पत्तियों का क्रश कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारी नीम की निबोलियाँ होती हैं वो भी मैंने 8 से 10 ले ली थी। अब यहाँ मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया था। फिर उसके बाद आप एक पैन ले लीजिए और पैन में आप जितना हमने सरसों का कप लिया था वो सारा इसके अंदर डाल दें। उसके बाद जो हमने ये तीनों चीज़ें 2-2 चम्मच के करीब हमने निकाली थी वो भी इसके अंदर डाल दीजिए एक एक करके। और निमोलिया मैंने 8 से 10 के करीब ली थी क्योंकि तेल मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ 1 कप के करीब लिया था। फिर जब तक ये इस्तेमाल हो तो उसके अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद दोबारा बना लें आप। अब इसको मैं फ्लेम पे रख दूँगी और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम पे रखने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें इस तेल को काला नहीं करना, हल्का फुल्का पकाना है कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो निबोलिया का और नीम के पत्तों का जितना भी इसके अंदर से जो इसका कस है ना वो निकल के तेल में शामिल हो जाए। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं आपके साथ अपनी हर नई आने वाली वीडियो को शेयर कर सकूँ। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था ढक्कन से। अब उसके थोड़ी देर बाद मैंने जब ढक्कन हटाया था तो ये तेल काफ़ी हद तक पक चुका था और निबोलिया जो थी वो डार्क ब्राउन हो गई थी। अब हमें इसे ज़्यादा बहुत काला नहीं करना, बस यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तेल को ठंडा करने के लिए। जब तेल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी बॉटल में भर कर और आराम से आप इसको सेव कर सकते हैं। और जब भी आपकी बच्चियों को नहाना हो, शावर लेना हो तो उससे 2 घंटे पहले आप ये हेयर ऑयल लगाएं या फिर इन बच्चियों को आप रात में ये हेयर ऑयल लगा के सुला दें और उसके बाद सुबह में आप इनको शैम्पू करवा दीजिए, वॉश कर लें हेयर, तो बालों के अंदर से जितनी भी जुएं होंगी वो नीम की जो कड़वाहट होती है और जो निबोलियों की जो कड़वाहट होती है उससे वो सारी जुएं मर जाएंगी और आपके बच्चियों के बाल भी अच्छे होंगे, घने होंगे और मजबूत हो जाएंगे। तो आप ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने अपनी बेटी के बालों में ये हेयर ऑयल लगाया था तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी थी, तो इस वजह से मैंने ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ये रेमेडी ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला। तो आई होप आपको मेरी तमाम वीडियो पसंद आती होंगी। इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी नई नई रेमेडीज़ लेकर आती रहूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।